नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। HCL टेक्नोलॉजीज के रिजल्ट आ चुके हैं दोस्तों। सारे इन्वेस्टर्स को, या कह लीजिए वो इन्वेस्टर भी जो इस शेयर में निवेश करना चाह रहे थे, क्योंकि शेयर में काफ़ी गिरावट हो चुकी थी, तो कई लोग Q4 रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे कि भाई इसको देखने के बाद ही नया निवेश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक चीज़ में चर्चा होगी, तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे, कंपनी की कॉमेंट्री किस तरह आई है, हाईलाइट्स पे चर्चा करेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ जो देखने लायक रहेगी इसमें कि क्या कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़े हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट के एक्सपेंसेस बढ़े हैं, अदर एक्सपेंस रेवेन्यूज बढ़े हैं, और इन दोनों में अगर बढ़ोतरी होती है तो इनके जो टोटल एक्सपेंसेस हैं उसमें शायद बढ़ोतरी दिखाई दे। तो अब सीधा लेके चलूंगा रिजल्ट की तरफ। देखिए HCL टेक्नोलॉजी के रिजल्ट आ चुके हैं, ठीक है। कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। देखिए द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैड डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ रुपीज 18 पर इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 2 ईच ऑफ द कंपनी ऑफ द मैनेजमेंट 23। द रिकॉर्ड डेट ऑफ द ऑफ अप्रैल 29, 2022, यानी 29 अप्रैल को रिकॉर्ड डेट फिक्स की गई है फॉर द पेमेंट ऑफ द एफोरसेट इंटरिम डिविडेंड हैज कंफर्म बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। द पेमेंट डेट ऑफ द सेट इंटरिम डेट शैल बी 11 मई, यानी 29 अप्रैल तक आपके पास ये स्टॉक होना चाहिए और आपको मई 11 तक इस स्टॉक की पेमेंट पूरी तरह से हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। यानी 18 रुपए का एक और डिविडेंड अच्छा खासा कंपनी ने दिया है। अब देखते हैं मुद्दे की बात कि रिजल्ट किस तरह से आए। तो सबसे पहली चीज, थैंक यू, आपने करोड़ों में रिजल्ट लिखे हैं, तो भाई देखते हैं हम रिजल्ट कैसे हैं। देखिए रेवेन्यू अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किस तरह आए, यह है 22,597 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 22,331 करोड़, और जो कि ईयर ऑन ईयर बेस पे थे 19,641 करोड़। यानी कि देखिए फ्लैट से थोड़े रिजल्ट हैं ये। अदर रेवेन्यूज देखेंगे 317 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 255 करोड़ था। तो टोटल इनकम कंपनी कितनी निकल के आई है, 22,914 करोड़ रुपीज, और पिछले क्वार्टर में कितना रिजल्ट रहा है, 22,586 करोड़। यानी कि आप कह सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी बढ़ोतरी है और ईयर ऑन ईयर बेस भी बढ़ोतरी है। जो ये जंप है ये ठीक ठाक सा है दोस्तों, कोई अनप्रेसिडेंटेड, कोई बहुत बड़ी जंप नहीं है। अब देखते हैं क्या क्या कंपनी ने जो एक्सपेंसेस है उसे कंट्रोल कर पाए। तो देखिए परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 448 करोड़, पिछले क्वार्टर 422 करोड़ था। चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ द स्टॉक ट्रेड, देखिए ये 41 करोड़ के चेंजेस आई हैं, और मेरी नज़र सबसे ज़्यादा रहती है वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में 12,603 करोड़। कब आप कह सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ज़बरदस्त जंप है। पिछली बार ये सिर्फ 11,802 करोड़ था, वो इस बार बढ़ के 12,603 करोड़ हो गया है। आउटसोर्सिंग कॉस्ट कितनी आई है, 3,210 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 3,338 करोड़ थी, यानी कि कम हुई है। दोस्तों एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है ना, ये वाकई में बढ़ते चले जा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जो अदर एक्सपेंसेस है, ठीक है दोस्तों, जो अदर एक्सपेंसेस है वो किस तरह आए, तो ये कम है दोस्तों, 1,324 है, जो पिछले क्वार्टर में 1,388 करोड़ थे। और हम टोटल एक्सपेंसेस को देखेंगे तो आप देखिए इसमें बढ़ोतरी हुई है, 18,593 करोड़ आया है, जो पिछले क्वार्टर में 18,156 करोड़ था। यानी कि ये जो आप ज़्यादा देख रहे थे ना टोटल इनकम में, ये यहाँ आके कॉम्पनसेट हो जाती है, ये जो आप बढ़ोतरी देखे थे यहाँ आके कॉम्पनसेट हो गई है, ठीक है। तो इन दोनों के बाद अब हमें ये देखना है कि जो टोटल इनकम है, ठीक है, जो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है फॉर द पीरियड क्या आई है। तो देखिए ये आई है 3,912 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 3,620 करोड़, ठीक है। यानी कि ये एक कह सकते हैं आप मोर और लेस फ्लैट सी ही रिटर्न है, थोड़ी बहुत ज़्यादा मानता हूँ आप कह सकते हैं कि भाई 350 करोड़ ज़्यादा है, 300 करोड़ के आसपास ये ज़्यादा है, तो आप कह सकते हैं कुछ 7 से 8% का रेवेन्यू बढ़ा होगा इनका, ठीक है। हम हाईलाइट्स में देखेंगे कंपनी किस तरह कहती है। और इसमें आप देखिए जो टोटल अगर हम देखें EPS को, तो देखिए एक मामूली सी बढ़त है EPS में, 13.27 रुपये है, जो पिछले क्वार्टर में 12.69 थी। मामूली सी बढ़त हमें किसमें दिखाई दे रही है, EPS में, ठीक है। कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है 18 रुपये का, यानी कि जो रिजल्ट है दोस्तों ये मोर और लेस फ्लैट रहे हैं। जो एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट है वो इस कंपनी के HCL टेक्नोलॉजी के रिजल्ट में भी हमें साफ साफ देखने मिल रहा है, इसीलिए कोई बहुत बढ़ोतरी नहीं, फ्लैट से रिजल्ट है। कैसे रिजल्ट हो, देखिए मुझे ऐसा लगता है स्टॉक में काफ़ी गिरावट हो चुकी है, तो अब बहुत ज़्यादा गिरावट की उम्मीद मुझे नहीं है। हाँ थोड़ी बहुत गिरावट अगर पैनिक मोड में थोड़ी हो जाए तो इन बाउंस जरूर कर सकता है ये स्टॉक।
अब नीचे चलते हैं एक एक चीजों को देखते हुए, ठीक है। अगर सेगमेंट वाइज मैं आपके साथ चर्चा करूँ रिजल्ट की, तो आप देखिए जो आईटी एंड बिजनेस सर्विसेज है उसमें बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। देखिए जो इंजीनियरिंग आरएनडी सर्विस है उसमें ये लगभग फ्लैट सा ही रहा है, थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है। गिरावट हुई है प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म में, ये 2316 करोड़ थी जो पिछले क्वार्टर में 3000 करोड़ थी, ठीक है। तो जो गिरावट हुई है प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म में हुई है, ठीक है। अब चलते हैं नीचे, धीरे धीरे हाइलाइट्स किस तरह आए हैं ये हमें देखना पड़ेगा। हम देखते हैं नीचे, आराम से चल रहे हैं, ये सब चीज़ें हमने उतनी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। मेरा ये देखने का मूड है कि हाइलाइट्स और कंपनी क्या बातें कही है, क्योंकि इन रिजल्ट्स में आने वाले समय के लिए भी कंपनियां जो हैं वो बहुत सी बातें कहती हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम आराम से नीचे नीचे धीरे चल रहे हैं। वन सेकेंड, दो मिनट पेशेंस रखिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वन सेकेंड, हाइलाइट्स कंपनी की किस तरह क्या कह रहे हैं। एक्चुअली 56 पेज की रिपोर्ट निकाली इन्होंने, ये देखिए ये आ गया इन्वेस्टर रिलीज। देखिए फाइनेंशियल 22 रिजल्ट्स, रेवेन्यू एट 11,481 मिलियन $, अप 12.8% ईयर ऑन ईयर बेसिस, ठीक है। जो रेवेन्यू है दोस्तों वो कैसा है, 12.8% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, और कांस्टेंट करेंसी 2.7% बढ़ी है। इबिटा मार्जिन एट 24%, इबिट मार्जिन एट 18.9%, नेट इनकम 1,087 मिलियन डॉलर आई है दोस्तों, नेट इनकम मार्जिन 15.7% है, ये 3.2% है ईयर ऑन ईयर, यानी कि मार्जिन में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है दोस्तों, ठीक है। और अब हम बात कीजिए ईयर ऑन ईयर पे, जो इस क्वार्टर की बात की गई है, ठीक है। अब रेवेन्यू जो बढ़े हैं वो 12.8% से बढ़े हुए हैं। क्वार्टर फोर के आप जो कह सकते हैं जो रिजल्ट आए हैं, क्वार्टर फोर ईयर के फाइनेंशियल 22 के रिजल्ट हैं, तो रेवेन्यू दोस्तों देखिए क्वार्टर बेसिस पे सिर्फ 0.5% बढ़ा है, 11.11% ईयर ऑन ईयर तो बढ़ा है रेवेन्यू, लेकिन 0.5% बढ़ा है। रेवेन्यू अप 1.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ओनली एंड 13.53% ईयर ऑन कॉन्स्टेंट करेंसी, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस आप देखेंगे तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कॉन्स्टेंट बढ़ोतरी है ये, ठीक है। सर्विस रेवेन्यू और देखिए आप तो 5% ईयर ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बढ़ा है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 17.5% है। इबिट मार्जिन आप देखिए 22.3% रहा है, इबिटा मार्जिन आप देखिए 22.3% रहा है, और इबिट मार्जिन 17.9%, ठीक है। अब बात करेंगे रेवेन्यू गाइडेंस की, जो आने वाले समय में है रेवेन्यू गाइडेंस है। पिछले 2-3 क्वार्टर से कंपनी कह रही है कि डबल डिजिट हम बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए कंपनी क्या कह रही है, रेवेन्यू एक्सपेक्टेड टू ग्रो बिटवीन 12-14% कॉन्स्टेंट करेंसी, रेवेन्यू 12-14% बढ़ने वाले हैं, इबिट मार्जिन एक्सपेक्टेड टू बिटवीन 18-20%, यानी जो इबिट मार्जिन है उसमें थोड़ा बहुत प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। मैं फिर कहूँगा फ्लैट से रिजल्ट रहे हैं, आने वाले समय में इबिटा मार्जिन में प्रेशर देखने हमें मिल सकता है इबिट मार्जिन में, ये हमें गाइडेंस के बारे में बताई एक बात चल रही है। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा ठीक है, अच्छे रिजल्ट हैं, फ्लैट रिजल्ट हैं, कोई बहुत बड़ी तेज़ी की मुझे उम्मीद नहीं है। गिरावट भी थोड़ी हो चुकी है, तो गिरावट भी डाउन साइड भी बहुत ज़्यादा यहाँ आसपास नहीं है दोस्तों। अगर खरीद के रखे हैं, टाइटली होल्ड करके रखें, गिरावट हो 1000 के आसपास आए, बहुत अच्छे लेवल होंगे फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है दोस्तों। तो यदि ये पूरी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।